राधा स्वामी। बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनाई शर्मा जी ने, मेरे भी कड़वे शब्द सुन लेना। मीठा खा लो तो ज्यादा नमक खाने को दिल करता है ना, मीठा ज्यादा खा लो तो नमक खाने को भी दिल करता है, तो थोड़ा सा नमक मेरा भी खा लो। जेठा एतवार है आज, पादो महीने की आपको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग सुखी रहो, आनंदित रहो। महापुरुषों ने, जो पिछले महापुरुष हुए, उन्होंने इशारों में बातें की हैं, किसी न किसी एग्जाम्पल देकर कोई वर्णन किया है कि ये करो ये करो वे करो वे करो, ऐसा कहा है। हमारे सतगुरु परम दयाल जी महाराज जी आए, सब इशारे खत्म कर दिए, खुली बात कह दी, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, और कह देते हवा खाओ, मानो ना मानो नहीं तो हवा खाओ। तो मैं भी यही कहता हूँ, बात को ध्यान से सुनना। स्वामी जी महाराज ने बारहमासा लिखा है, बारहमासा, और गुरु साहिबान ने भी बारहमासा लिखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात कही है सबने। तो मैं स्वामी जी महाराज की बात आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। परमदयाल जी महाराज की संगत में बैठकर सब कुछ किया, अनुभव किया, साधन किया, साधन की वो स्टेज भी देखी जहाँ तक दुनिया जाना चाहती है, लेकिन मेरे दादा ने मुझे मना कर दिया कि वहाँ का अभ्यास बेटा भी नहीं करना। जिंदगी से गुजरता हुआ कहाँ पहुँचा कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है? मेरे बाबा फकीर जी ने इसका सवाल का जवाब दिया कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में, तो वो राम राम नहीं जपता, वो किसी ईश्वर को याद नहीं करता। जब तक माँ उसको कोई शिक्षा नहीं देती, वो किसी को याद नहीं करता। वो क्या मांगता है? वो खाने को मांगता है, खाने को, उसको भूख लगती है, खाने को मांगता है। तो इससे महाराज जी ने क्या बताया कि जगत में सबसे पहली बात क्या है? कर्म प्रधान है जिससे तुम्हारा पेट पूजा हो सके, ये पहली बात है। अगर कोई कहे कि वैसे तो मैं क्या कहूँ, राम नाम जपना पराया माल अपना, आजकल तो ये हो गया है कि धर्म भी एक आय का साधन बन गया है। कोई धर्म का नाम ले लो, किसी चीज का भी नाम ले लो, सब आय का साधन बन गया है। इसलिए मैं उसको धर्म नहीं मानता हूँ, मैं उसको धर्म नहीं मानता हूँ, मैं उसको बिजनेस मानता हूँ। वो है कर्म, पहले अपना कर्म ठीक करो। मेरे प्रोफेसर थे, अब वो नहीं है, भंडारी साहब, बड़ी हेल्प थी उनकी, बड़े प्यारे थे, मेरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहना, कमल बात सुन, मेरे को प्रोफेसर भी ऐसे मिले, वहाँ उसने ये नहीं पूछना कि तूने हमने पास किया कि पीएचडी किया, क्या किया, उसने तेरा कर्म पूछना, तूने कर्म क्या किया। कर्म प्रधान है, तो वर्क इज वर्शिप, ये मेरा अनुभव कहता है और मैंने इसको आजमाया है। कर्म ही प्रधान है। अगर तुम्हारा साधन नहीं है रोटी का, अगर तुम्हारा साधन नहीं है किसी कमाई का, अगर तुम्हारा साधन कोई पैसा कमाने का नहीं है, तो तुम्हें घर वाले भी ठोकर मार देंगे। इसलिए मेरे पिता, परम पिता ने कहा, बूढ़ों को कहा करते थे कि कुछ भी काम नहीं है तो कपड़े फाड़ कर सीते रहा करो, बिजी रहो किसी न किसी काम में, तो काम करो। सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूँ, नंबर वन,
अब अगली बात, अब मैं स्वामी जी महाराज की वाणी को देखता हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं उनको भी सुनो, और अंत में मैं कहाँ पहुँचा वो भी मैं आपको बता दूंगा। पढ़ो पढ़ो स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। भादो मास तीसरा, चेतावनी जीवो को कि मन मत कर्म और धर्म। एक एक आराम से पढ़ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। जीवों को चेतावनी दे रहे हैं स्वामी जी महाराज, क्या चेतावनी है पढ़ो एक एक शब्द। चेतावनी जीवों को कि मन मत कर्म और धर्म। मन मत, मन के ऊपर चलकर जो भी तुम काम करोगे वो, फिर जप तप धर्म और कर्म ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। जब तक तुम उस कर्म को ज्ञान के साथ नहीं करते, जब तुम उस कर्म को निष्कर्म होकर नहीं करते, जब तक उस कर्म को तुम निस्वार्थ भाव से नहीं करते, तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। फिर पढ़ो जय लाए। चेतावनी जीवो को कि मन मत कर्म और धर्म और जप तप और मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और जप तप और मूर्ति पूजा, सब कर्म कांड काट दिए इसमें, सब कुछ बता दिया, क्या करेंगी पढ़ो आगे। और तीर्थ व्रत से जीवो की 84 नहीं छूटेगी। इनसे तुम्हारी 84 नहीं कटेगी, इससे ऐसा करने से, जप करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से और धर्मों में फंसने से तुम्हारी 84 नहीं कट सकती, अर्थात तुम्हारा जन्म मरण का सिलसिला खत्म कभी नहीं होगा। कब होगा आगे पढ़ो। जब तक कि संत सद्गुरु और साध का संग। जब तक कोई संत सद्गुरु और साध की संगत तुम्हें नहीं मिलती, वहां क्या मिलता है। अब तो मैं कहूंगा कि साध की संगत भी नहीं है, नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है साधु नहीं है तो संगत का है कि। साध तो वो होता है जो मन की साधना करे, संत वो होता है जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, वो कर्म करता है, कर्म करते हुए भी बिल्कुल कर्म नहीं करता क्योंकि वो कहीं और का रहने वाला होता है। इसलिए सूर्य महाराज कभी कभी यहाँ फरमा दिया करते थे, और कहाँ का मैं रहने वाला और कहाँ के तुम रहने वाले, तुम मेरी बात को कैसे सुनोगे, ऐसा कह देते थे मेरे सतगुरु बाबा शक्ति जी महाराज। और मैं वहाँ बैठा होता था और मैं ऐसे पल्ला कर देता था चौके पीते थे जी, मैं सुनने वाला हूँ अंदर से, मैं सुनने वाला हूँ आपकी बात को, मैं सुनता हूँ, दुनिया ना सुने लेकिन मैं सुनता हूँ। जब तक संत सतगुरु ना मिले और साध संगत ना मिले, ये नहीं कि गुरु मिल गया अपने साथ संगत छोड़ दी, तब भी बात नहीं बनेगी। पढ़ो आगे। जब तक कि संत सतगुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर। और उनसे क्या लेना है, संत से क्या लेना है, सतगुरु से क्या लेना है, किस चीज का भेद, वहां ये नहीं मांगना कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, बाबा जी ये हो जाए, ये हो जाए, क्या लेना, नाम का भेद, मुझे वो नाम दे दो जहां से मैं आया हूं। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो, तुम्हारे लिए और बोलूंगा मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ और कहूंगा। ये जो बात कही है ये संतों की जन्म मरण से आगे जाने के लिए है कि मैं दोबारा ना आऊं इस दुनिया में, जो करना है अभी कर लेना, कर देना, जो ड्यूटी दी है कर देनी है, उसके बाद नहीं आना, बात मेरी समझ गए, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। पढ़ो यही फिलहाल। जब तक कि संत सद्गुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर अंतर्मुख अभ्यास नहीं करेंगे, फिर क्या करना है, वो भेद बताएंगे, भेद क्या बताएंगे कि बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, जप तप व्रत तीर्थ स्नान ये वो जो भी आजकल धर्मों में हो रहा है, बात समझ गए, वो किसी काम का नहीं, वो मनोरंजन है, वो तुम्हारे लिए मनोरंजन है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें
सिथाई नहीं सुख देता, थोड़ी देर के तुम्हें आनंद मिलता है, तालियां बजा ली, सिर घुमा लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब घर आओगे फिर वही हो जाओगे, फिर वही काम, फिर वही क्रोध, फिर वही लोभ, फिर वही मोह, उसी में फंसे रहोगे, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये कहा है स्वामी जी महाराज ने, सबसे पहले चेतावनी दे दी है, आगे फिर क्या कहते वो पढ़े। और परिणाम युक्ति और भेद सुना शब्द मार्ग का। हाँ, सुरत शब्द क्या है वो भी मैं बता दूंगा, आगे चलो। भादो मास तीसराचारे दौलागी सब जग को भारी। ये तीसरा महीना है देसी, शर्मा जी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भादो महीने में गर्मी बड़ी तपिश होती है, तपिश बहुत होती है दिन को। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भादों की गर्मी और धूप से डरकर जाट दा पुत साधु हो गया, ऐसा कहा करते थे, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है और फिर आदमी दौड़ा आता है पानी पीता, तपिश लगती है ना, अंदर तपिश लगती है गर्मी, हाय हाय बड़ी गर्मी आज बड़ी। आजकल तुम भी सोचते हो गए बाहर से, हाय बड़ी गर्मी आजकल, तो हमस बड़ा करते हो ना, तो ये और धौ लगी है। यहाँ संत हमारे स्वामी जी महाराज मिसाल देते हुए हमें कुछ और बताना चाहते हैं। ये तो संसार की बात कह रही ना, तो लेकिन वो कुछ धौ और बताते कि हमारे अंदर एक तपस होगी पैदा, वो तपस क्या है आगे पढ़ो। भादो मास तीसरा जारे दौला दी सब जग को भाए, सारे जग को धो लगी है। हाँ, क्या तीन पाप का बड़ा पसारा एक एक जीव घेर कर मारा। अब क्या कहा स्वामी जी कहते हैं कि तीन ताप ने सब संसार को घेरा हुआ है, तीन ताप को, और एक एक को पढ़कर सबको वो मार रहे हैं। वो तीन ताप क्या है? दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को लिखा, कितनी ऊंची बात की ड्यूटी दे दी उनको महाराज, परम दयाल जी महाराज को, और वो मैं मुकाबला करूंगा आपके साथ। तू तो आया नर देही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे ताने। तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल सुने। ये तीन ड्यूटियां दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को लगाई। अब वो तीन ताप क्या है जो सतगुरु परम दयाल जी महाराज ने खोल कर बताया? एक है शारीरिक रोग, पहली बात। कोई भाग्यशाली होगा इंसान जिसका शरीर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी जरूर लगती है, और फिर उन बीमारियों के लिए मेरे देश में ना जाने कितने हॉस्पिटल बन गए हैं और बन रहे हैं। एक जमाना था जब स्वामी जी ने वाणी लिखी तब तो बहुत अच्छे हालात होंगे, जीवन बड़ा सादा था, इतनी बीमारियां नहीं थी, होंगी थोड़ी बहुत। मुझे याद आई एक बात, ये पिपला वाला गांव है, पिपला वाला ये साथी, तो बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ एक हकीम होता था। वो हकीम क्या होता था, वो पेशाब देख के बीमारी बताता था, पेशाब देखो उस वक्त की बात बता रहा हूँ, पेशाब ले जाओ तुम, उसने पेशाब देखना और बीमारी बता देनी, ये अच्छा भाई ये दवाई ले जाओ ठीक, और ठीक हो जाते थे लोग। मेरे बापू ने बताया, मेरे दादे ने, कि काका एक बार एक आदमी ने शरारत की, शरारत वो किसी जानवर का अपने घर से जो पालतू रखा होगा, बिल्ली होगी या कुत्ता होगा, वो बोलते उसका पेशाब लेके चला गया। कहना हकीम जी मैं बहुत दुखी हाँ, की होया मेरी जनानी को बुखार बहुत ही उतरदा ही नहीं, बड़िया दवाइया दतिया, तो वो पेशाब की शीशी सामने रखती, तो उन्हें देखा बड़े ध्यान ना, कहते अच्छा तेरी जनानी के चार पैर है
तेरी जनानी चार पैरों वाली है, उसको पैरों से निकाल दिया। इतने ऊंच कोटि के हमारे हकीम थे आज ने, तो उस वक्त ये हाल था। और ये क्या कहते हैं, पहला ताप शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने अपने सनातन धर्म को त्याग दिया, हमने अपने सनातन धर्म की शिक्षा को त्याग दिया और मॉडर्न हो गए। और वो क्या थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, 25 साल से 50 साल तक शादी करो, अच्छी औलाद पैदा करो, 50 से 75 तक वानप्रस्थ में चले जाओ, थोड़ा दुनिया से अलग होना शुरू कर दो और 80-75 के बाद फिर संन्यास में चल जाओ, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। इसलिए हम दुखी हैं, शारीरिक रूप से दुखी है कि हमने अपनी परंपरा को त्याग दिया है, सनातन धर्म को त्याग दिया है, संत मत को त्याग दिया है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा ताप क्या? मन की अशांति। कोई इंसान बताओ मुझे जो मन से सुखी है, सबको दौड़ लगी हुई है, ये हो जाए, 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 किसी को मानसिक शांति नहीं है। और उस मन की शांति के लिए क्या क्या हुआ, उसको देने के लिए क्या हुआ, कितने डेरे बन गए मेरे देश में, कितने डेरे हैं, कितने गुरु हैं, कितने पता लगता कोई डेरों का, तीर्थ स्थान कितने हैं, क्यों है, किस लिए तुम्हारे लिए बने, कि तुम्हें मानसिक शांति मिले। अपने आप को पूछो कि क्या मानसिक शांति वहां जाने से मिल गई, नहीं मिली। अस्थाई सुख मिला थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो गई कि भाई हाँ वहाँ गए थे, तीर्थ स्नान कर आए, गंगा स्नान कर आए, बड़ी आनंद आया, बहुत हो गए, इतना ही होता है और क्या कुछ नहीं ना। तीसरा क्या है, अज्ञान, अपना अज्ञान, आत्मिक अज्ञान। हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी के रूप में दुनिया में भटक रहे हैं। अगर हमें पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मैं उस परम तत्व, परम पिता माल के कुल का बच्चा हूँ, उसकी अंश हूँ, फिर तो कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम दुखी हैं कि हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है। और उस आत्मिक ज्ञान देने के लिए बड़े दुनिया में ठेकेदार हैं, कोई चौथी तक पढ़ा रहा है, कोई पांचवीं तक पढ़ा रहा है, कोई दसवीं तक पढ़ा रहा है, लेकिन बीए एमए कोई भी नहीं करवा रहा। सब उनको कहते हैं तू फेल हो गया, फिर दोबारा आ जा, फिर आ जा, फिर आ जा, पैसे दिंदा जा और अपने चल रोटी पानी खाई जा। ये चला हमारे देश में, अब क्या हुआ, फिर कैसे होगा हमारा इंतजाम? कोई बाबा फकीर आएगा तो सभी काम करेगा ना, लेकिन बाबा फकीर ने भी कह दिया, क्या कहा मेरे बाबा फकीर ने भी अंत में क्या कह दिया, बेकदरा ना दोस्ती तय क्यों लाई हंस। मेरे बाबा ने कहा बेकदरा ना दोस्ती तय क्यों लाई हंस, ओ मास मास तेरा कामा खाजा ते गलियां रुड़ गए पंख, तेरी कदर कौन करने वाला, इथे ते किसी ने कदर नहीं की, ना गुरु नानक दी कदर की, उन्हें भी कहता कुराई आए, ना बाबे ना कबीर दी किसी ने कदर की, उन्हें भी कहता चल आ इथे दस दिन की आउंदा, किसी संत को छोड़ा नहीं दुनिया ने। और ये दुनिया ही ऐसी है, ये सत्य से डरती है और झूठ को जफ्फी डालती है। तो इसलिए कबीर ने कहा सच कहूँ तो मारसी ये तुर्कानी जोर, सच कहने तो दुनिया तुहानू छड्डेगी नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैंने आपको तीन बातें बता दी और तीन बातों का इलाज भी आपको बता दिया, कहाँ है वो इलाज, आगे पढ़ो। तीन इंसान के अंदर कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये है।
लेकिन किस कोई नहीं कहता। मैंने सुना है कुछ लोगों को जी ये बड़े भारी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि संत को पूछो तू बुरी है। आज के संतों को आज के गुरुओं को तो ज्यादा काम है, ज्यादा लोभ है, ज्यादा मोह है, बड़ा डेरा बन जाए, जड़ा डेरा बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए, वो खुद तो फंसे हुए हैं, हमें क्या आजाद कराएंगे। इस करके संतों ने कहा कर संगत निर्बंध की पल में दे छुड़ाए, बंधुआ को बंधुआ मिले सुठन कौन पर, वो खुद बंधे हुए हैं तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे। तो वो काम क्रोध क्या है मैं सुना देता हूँ, जो बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कामना काम काम सब कोई कहे काम न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काम सहावे सोए। ये कब होगा? जब संतोष आ जाएगा, जब उसकी रजा में रहना आ जाएगा, जब उसके हुक्म के अंदर चलना पड़ जाएगा, जब ये पता लग जाएगा कि जो वो करिया सोई भला, तब जाकर तुम्हारी कामनाएं खत्म होंगी। जा ये मानकर कि जो काम उसने दिया है, जो मैं कर रहा हूँ, ये काम उसका है, मेरा नहीं है। जब मैं कहूँ मेरा है मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं कामना में फंसा हुआ हूँ, मैं बच नहीं सकूँगा। बात समझ गए? क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि तुम ठेकेदार बने हुए हो कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी पत्नी को भी मेरा कहना मानना चाहिए, मेरे बच्चों को भी मेरा कहना मानना चाहिए, मेरी बहू को भी मेरे हुक्म पर चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता। तुम अपने आप को दूसरे को जब तक नहीं देखोगे, जब अपने आप को बच्चों में नहीं देखोगे, जब अपने आप को पत्नी में नहीं देखोगे, जब अपने आप को बहू में नहीं देखोगे, यही मेरी बेटी है, तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध सिर्फ अहम के कारण आता है, क्रोध है कुछ भी नहीं। इसको समझने की कोशिश करो, तब तुम्हारा क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रोध को थोड़ा प्रेम में ले आओ, प्यार में ले आओ, तुम्हारा क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। लोभ क्यों? किस बात का लोभ करना? लोभ करोगे तो क्या? लोभ किस चीज़ का करोगे? पहले ये बताओ कि जब हम आए दुनिया, जब मैं दुनिया में आया, तुम्हारी बात छोड़ो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा शरीर था, छोटा सा शरीर था, कुदरत का दिया हुआ खाना खाया, भोजन पाया, अच्छी संगत मिली, तो ये शरीर इतना बड़ा हो गया। उसके बाद कुदरत ने जो शरीर को चाहिए था वो दे दिया, जो उसको चाहिए था इसको वो खुद दे रहा है, तो मुझे चिंता करने की या लोभ करने की क्या जरूरत है, जब मोह करने की क्या जरूरत है। नंबर दो समझ रहे हो? तो मोह तो तब करो जो चीज़ कोई रहने वाली हो। कोई चीज़ दुनिया में रहने वाली सदा नहीं है, सब आपको मालिक ने दी है, उसका सुख उठाओ, उसका आनंद लो, और समझो कि ये उसने मुझे दिया है, मुझे ना लोभ की जरूरत है, ना मोह की जरूरत है, ना फिर अहंकार कहाँ रहा, अहंकार फिर कहाँ रहा, कहीं भी नहीं है। हमें रोग सबसे बड़ा है मैं हूँ, ईगो, मैंने अंग्रेजी में लिखा ईगो हैज डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ अवर सोसाइटी, उस पर बड़े लोगों के कमेंट आए, बड़े लोगों ने पसंद किया, ईगो ने हमारे को मार दिया। पत्नी की पत्नी कहती मैं बड़ी, पति कहता मैं बड़ा, बेटा कहता मैं अच्छा अकलमंद, बाप तेनों कुछ नहीं आता हूँ, बेजराम ना ईगो है, और क्या है, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ए इंसान तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं है, तू क्या है इसलिए तू क्रोध भी करता है, तू क्या है इसलिए तू कामना करता है, इसलिए तू सारा लोभ करता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तेरी डोर किसी और के हाथ है, वो डोर कौन सी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये इसलिए कहा, फिर हमारा सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? अपने ही ख्याल से, हमारा ही ख्याल, हम अपने ही ख्याल में डूब जाते हैं सुबह से लेकर। ये करो, ये माया है जो पैदा हुआ, ख्याल वो माया है, जो तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा होता वो माया है, जो तुम्हारे अंदर गुरु पैदा होता वो माया है, किसी को देवी दर्शन देती वो माया है। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि ये जो कहानियाँ बनी हुई है ना कि उस राजा ने इतना बड़ा तप किया तो भगवान आ गए, उन्होंने कहा अच्छा तू सदा के लिए अमर हो गया, कोई अमर हुआ कभी नहीं हुआ। कंस ने बड़ी सेवा की,
कि मैं अंदर मरू ना बाहर मरू, क्या हरना कश्यप ने कहा? कंस ने कहा मैं नहीं मर सकता, वो भी मर गया। रावण ने कितनी तप किया, वो भी मर गया। क्योंकि जो कुछ भी वो पूजा करते थे वो अपने मन की ही पूजा करते थे, इसलिए वो बच नहीं पाए। शरीर उनको भी पूरी तरह से छोड़ना पड़ा, कष्ट से छोड़ना पड़ा। इसलिए गुरु भक्ति सबसे उत्तम है। गुरु भक्ति का क्या राज है वो मैं आगे बताऊंगा। आगे चलो। काम क्रोध मद लोभ सतावे, आगे चलो। माया ममता आग लगावे, ये हमारा सबका हाल है। आगे चलो। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। आगे चलो। कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। इन तीन तपों से बचने के लिए कोई कहता कर्म करो, ये करो, कर्म कांड करो, हवन करो, ज्योति जलाओ, घंटी बजाओ, मंदिर जाओ, चीज करते हैं ना। तो कहते कोई कहता कर्म धर्म करो भाई, कोई कहता आगे पढ़ो यही लाइन। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। सब क्या कर रहे हैं, हमें इन तीन तापों से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो स्वामी जी महाराज ने बता दिया। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रत करता है, कोई मंदिर जाके घंटी बजाता है, करते हैं ना सब। किस लिए? ताकि हमारे शरीर को रोग ना लगे, हमारे मन को शांति मिले। ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं करता। दो चीज़ों के लिए दौड़े हुए हैं, शरीर का सुख मिले, धन मिले, दौलत मिले, बच्चों की ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि जहाँ ये हमें सब कुछ बताया गया कि ऐसा करो, और ऐसा अब ये तो 200 साल पहले लिखा और आज तो इससे भी ज़्यादा आगे निकल गए हम, बहुत आगे निकल गए। अब तो हालात ही देखो क्या हो गया है। आगे चलो। यह सब भूले भटका खावे, कोई नहीं की भूल मिटावे। ये सब भूले हुए हैं और भटके हुए हैं। क्यों? जो पिछले हैं यार अपने से वो दर्व दर भटकते फिरते। कबीर साहब का शब्द है, जो पिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर्व दर फिरते। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी किया, कबीर साहब ने कह दिया ना। हमें तो नहीं भटकने की जरूरत पड़ी, कहीं गया किसको सिर नवाए, किसकी किसको माने हम। किसी को मानने की जरूरत नहीं है ए इंसान। वो क्या कहा बुल्ले शाह, वो बुल्ला कहता बुल्ला, ओ मंदिर बढ़िया, मस्जिद बढ़िया, अपने अंदर तू कभी ना बढ़िया। असली मंदिर तो ये है, मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही भीतर ना आवे। अपने अंदर स्नान करके देखो, तुम्हारे अंदर ही कुंभ लगता है। जब तुम्हारे ये सांस और हमारी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है ये यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो कुंभ लग जाता है। क्या कहा मैंने, मगर इसको करता कौन है, कौन जाता है इसकी तरफ। घंटी बार बजा ली बड़ा अच्छा, अंदर की घंटी को कौन सुनता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंदर ही बिन दिया बिन बाती जो चले दिन राती, ये भी कहा किसी महापुरुष ने। हमारे अंदर ही दिया है, हमारे अंदर ही बाती है, और फिर जोत जल रही है यहाँ दिन राती, दिन रात जलती है। वो बुझेगी कि नहीं, वो कब बुझेगी, जब तुम इस शरीर को छोड़ जाओगे तब बुझ जाएगी वो। फिर वो कहाँ जाएगी, वो अपने आप में चली जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि बाहर भटकते रहोगे तो अंत मता सोगता। जो सारी उम्र यही करता रहा वो कहाँ जाएगा, वो वहीं जाएगा यहाँ वो पूजा पाठ करता है। और वो जो अंदर चलता है वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा जहाँ से अंदर वाला आया है। बात को पकड़ो मैंने क्या कहा। आगे चलो।
क्या पंडित क्या भेज गृहस्थी यह सब बसें काल की चाहे पंडित कह लो चाहे जेक कह लो चाहे मौलवी कह लो चाहे ज्ञानी कह लो ये सभी काल की बस्ती में रहते हैं। काल की बस्ती मीन समय समय के अंदर रहते हैं। समय में जो घटना होती है उस घटना से जो डरते भी हैं और उस घटना से जो खुश भी होते हैं। अच्छा काम हो गया बल्ले बल्ले, बुरा काम हो गया तो हाय फिर हाय रोते हैं चिल्लाते हैं ये क्यों हो गया, भगवान ने हमारे साथ बड़ा शत्रुता की, हाय भगवान मुझे याद आया, मुझे याद आया मेरे गांव में कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट तो मैं छोटा था ना जब, तो पता नहीं मेरे को क्या बात थी, मालिक की देन थी, तो मेरे घर कच्चे मकान होते थे तो मैंने इधर दक्षिण की तरफ एक छोटा सा थड़ा बनाया होता था, थड़ा मिट्टी का, और मैं सुबह धूप में भी बैठ जाता था, सुबह उठना धूप में हाथों में थोबे लेता था ताकि हट गए ना, फिर नहा लेना आके थोड़ी देर अंदर बैठना, फिर जब धुप निकली उठे जाके बह जाना उठे पढ़ना भी, तो उन्हें आना वो पाड़ू की कर रहे हो तू, मैं कहना ताया जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तू पढ़ता तो नहीं सी, तू तो अखा बंद कीतिया सी, तू पढ़ता थोड़ी सी, तू तो अखा बंद कीतिया सी, मैं कहा मैं रब नू याद कर रहा मालिक नू याद कर रहा, वो कितने है तेरा रब ते देखे, मैं कहना ताया जी देखा तो नहीं पर देखूंगा जरूर, वो मतलब वो पूछा पाठ के बड़े अगेंस्ट था। हुआ ये कि 5-10 साल के बाद उसका बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया और 2 साल के बाद बाप वापस आया, बड़ा पैसा लाया, 7 भाई थे उसके, उस सरदार के 7 लड़के थे और बड़ा था वो। वो बाहर आया, गांव में बाहर जाते हैं ना खेतों में टट्टी पेशाब करने के लिए, तो तालाब में हाथ धो रहा था, तो हाथ धोते धोते उसकी डेथ हो गई, मर गया। वो भाई स्कूल से आए बड़ा शोर पे आया, तो वो सरदार जरा मैं कहना हूँ नशे रब कितने कितने दिखा, वो इतना सारे ओए रब्बा तू उन्हें लुट लिया, ओए रब्बा तू उन्हें लुट लिया, मैं कह लिया दस हूँ कहू कहता रब्बा तू लुट लिया मैनू, हूँ क्यों कहता है रब न क्यों याद कर, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न को, जो सुख में सिमरन करे दुख का है को हो, जो सब कुछ है उसका है, कौन किसका बेटा थे कौन किसका भाई थे कौन क्या, ये उसका हुक्म है। मैं वो आपको बात बता दी कि वो है, वो माल के कुल है, वो कहीं नहीं गया, वो अजर है अमर है हर जगह पर, उसको बोलो बेटा एक मिनट रुक जाओ, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक हाँ अपना आप चल जाता है, जैसे वो घरों में हमारे होते हैं ना ऑटोमेटिक इन्वर्टर लैट टूट जाती है बंद कर देगा।